हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप जो है अपने प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो और अवेटर को चेंज कर सकते हैं, और समझेंगे भी कि ये क्या होते हैं प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको डिटेल से भी समझेंगे। ये जो हमारा पार्ट नंबर 4 है हमारे फेसबुक कोर्स का, जो कि हम मोबाइल यूजर के लिए एक कोर्स हमने बनाया हुआ है, जिसमें मैं सभी चीज़ों को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करूंगा। जैसे कि ये पार्ट नंबर 3 है, इसके पहले मैंने वीडियो में बात कर लिया कि क्या होती है फेसबुक, फेसबुक में अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, फेसबुक में आप जो है अपने प्रोफाइल नेम को या अकाउंट नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि कवर फोटो क्या होती है, प्रोफाइल पिक्चर क्या है और अवेटर क्या होता है। जैसे कि आप किसी की अगर प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेज में दिखा दिया है। इसी प्रकार से आपको कवर फोटो जो पीछे की होती है वो आपको मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नीले कलर से है। उसके बाद अवेटर एक छोटा सा होता है, ये मिल जाएगा, ये लेकिन केवल जो जिसका अकाउंट होता है उसी को दिखाई देगा और दूसरे को दिखाई नहीं देगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे चेंज किया जाएगा। तो उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर क्या होती है। एक प्रोफाइल पिक्चर और जो होती है वो फेसबुक पे क्या होती है, एक प्राइमरी इमेज होती है, अर्थात इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और जो कि रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, और इसको आपको अपने हिसाब से अपनी इमेज को ही लगाना चाहिए। तो अर्थात इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि एक व्यक्ति के लिए होता है, और ये उसकी क्या बताते हैं आइडेंटिटी, अर्थात क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, इमेज अलग होती है। तो अगर आप प्रोफाइल पिक्चर में अपनी पिक्चर यूज करते हैं तो कोई भी यूजर अगर आपके फेसबुक पे आता है तो इजीली आपको समझ जाएगा, आपको जान जाएगा और आपको फॉलो कर लेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि कवर फोटो क्या होती है, तो एक कवर फोटो जो होती है फेसबुक, एक ही क्या होती है लार्ज होती है और हॉरिजॉन्टल फोटो होती है इमेज, जो कि क्या होती है इस पे यूजर के प्रोफाइल या पेज के विषय में जानकारी या आप अपने जो है फेसबुक के विषय में जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। कवर फोटो जो होते हैं विजुअल होते हैं, जो कि कोई भी इसको देख सकता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है। आज के इस वीडियो में भी हम देखेंगे कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे इसको ऐड करते हैं। थोड़ी सी अगर हम बात कर लें कि अवेटर क्या होता है, तो एक अवेटर जो होता है कस्टमाइजेबल डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है एक यूजर के लिए, जो कि यूज किया जा सकता है प्रोफाइल पिक्चर या वेरियस फीचर जो होते हैं ऑन प्लेटफॉर्म पे विद फेसबुक, अर्थात फेसबुक के साथ में आप अवेटर के काफ़ी फीचर मिल जाते हैं, जो कि यूजर क्या है क्रिएट कर सकता है अवेटर, सिलेक्टिंग वेरियस ऑप्शन फॉर फेस शेप हो सकते हैं, हेयर स्टाइल हो सकते हैं, आई कलर हो सकते हैं, क्लॉथिंग हो सकते हैं, एक्सेसरीज हो सकते हैं या मोर, काफ़ी प्रकार के होते हैं जिनको यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाते हैं और ओपन कर लेते हैं अपना फेसबुक। तो यहाँ पे हमने क्या है फेसबुक इधर ओपन कर लिया है। फेसबुक को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो 3 लाइन है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ऊपर यहाँ पे ही आपको क्या है मिल जाता है ये प्रोफाइल का, तो इस प्रोफाइल के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रोफाइल के पिक ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं ये एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्या कर देना है, सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है प्रोफाइल पिक्चर का, कवर फोटो का, और नीचे जो सबसे होता है इसको भी हम दिखा देते हैं, ये आपको मिल जाता है अवेटर का ऑप्शन। अवेटर को भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा भी है अवेटर जो होता है ओनली यू कैन व्यू दिस सेक्शन, केवल हम ही इसको देख सकते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं, तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या कर देना होता है, यहाँ पे सिंपल सा ये जो एडिट का ऑप्शन लगा होता है इसके ऊपर आपको क्या कर देना है, एक बार क्लिक करना होता है। इसके बाद इसमें ऑप्शन आएगा ऐड फ्रेम भी आप ऐड कर सकते हैं, टेक फोटो ले सकते हैं, सिलेक्ट फोटो ऑन फेसबुक हो सकता है या सी प्रोफाइल पिक्चर। तो ऐड पहले हम फ्रेम एक कर लेते हैं, तो ऐड फ्रेम जिस प्रकार का आप फ्रेम लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं, जैसे मैंने क्लाइमेट एक्शन का ले लिया, अपडेट इसे कर देते हैं। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे चले जाते हैं एडिट पे और ये टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप अपनी एक फ़ोटो ले सकते हैं, और चाहें तो आप मोबाइल से भी क्या है या अपने कैम, अगर आप जो है अपने मोबाइल में सेव रखी उस फोटो को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बैक पे आ जाना है, और यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे हम पुनः अपने वहाँ पे चले जाते हैं प्रोफाइल पे एडिट ऑप्शन में, तो यहाँ पे ये जो है इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फोटो
ऑन फेसबुक के लिए ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया और इसको अपडेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग में कुछ टाइम ले सकता है। तो ये देखो क्या है, मेरी फ़ोटो अपलोड हो सकी। तो यहाँ पे आप चाहे फ्रेम ऐड कर सकते हैं, या फ़ोटो खुद लेकर ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो मोबाइल के अंदर की भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कवर फ़ोटो में। तो कवर फ़ोटो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एडिट का ऑप्शन है। इसके बाद टेक फ़ोटो, सिलेक्ट फ़ोटो या सी कवर फ़ोटो। तो मैं यहाँ पे टेक फ़ोटो नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए सिलेक्ट फ़ोटो। टेक फ़ोटो अर्थात डायरेक्ट आप फ़ोटो लेकर इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट फ़ोटो ऑन फेसबुक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी एक फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं सिंपल से एक तो ऐसे ही जनरल बैकग्राउंड ले लेता हूँ और अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये कुछ ही समय के अंदर क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो अपडेट हो चुकी है। अब इसके बाद क्रिएट अवेटर में आपको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो क्रिएट के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे काफ़ी प्रकार के अवेटर आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आप चाहें वहाँ पे एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक इस कलर का सिलेक्ट कर लेता हूँ और डन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस अवेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अवेटर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, कुछ टाइम ले सकता है, ये आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अब इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं डन के ऊपर क्या कर देता हूँ, सिंपल से क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ चुका है और डन के ऊपर हो चुका है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और शेयर टू फीड में भी आप इसको चाहते हैं तो कर सकते हैं, या स्किप भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शेयर टू फीड के ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखो मेरा अवेटर ऐड हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी क्या है, कवर फ़ोटो पर है, ओ सॉरी प्रोफाइल पिक्चर है, फिर कवर फ़ोटो है, फिर अवेटर ऐड हो गया है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जो हम बताएंगे आपको कि कैसे आप बायो ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक में, और बायो क्या होता है इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।